भजनलाल सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने वर्तमान में व्याप्त बिजली संकट को लेकर इसका ठीकरा पिछली कांग्रेस सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि बिजली खरीदने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए उधार की बिजली ले ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार उधार का सांप हमारे गले में डाल गई। कांग्रेस के पास बिजली खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन लोगों को राशन और मोबाइल बांटे गए। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हाल ही में विधानसभा में बिजली संकट को लेकर बहस के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर सारा ठीकरा पिछली गहलोत सरकार पर फोड़ा। हीरालाल नागर बोले कि आज प्रदेश में जो भी बिजली संकट के हालात हैं, उसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार है। हीरालाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेस में जादूगर ने बड़ा जादू किया। बिजली खरीदने के पैसे तो नहीं थे, इसलिए उधार की बिजली ले ली। ये बिजली सर्दियों में ली और गर्मी में लौटाने का वादा किया, क्योंकि इन्हें पता था कि हम आएंगे तो नहीं, इसलिए उधार का सांप हमारे गले में डाल गए। बिजली खरीदने की जगह इन्होंने लोगों को मोबाइल और राशन किट बांट दिए। बिजली संकट पर हुई बहस में ऊर्जा मंत्री पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमलावर दिखे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।